हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर मनोज मंत्री। आज का हमारा टॉपिक है जो भाई कि अपन सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, मतलब जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अपन ने ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपना बना हुआ था उसमें कितने टाइप के ऑर्गन्स थे अपन ने उनके बारे में कम्प्लीट पढ़ लिया है। उनको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, उनसे रिलेटेड आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो वापस से जरूर पूछें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास सेल ग्लैंड्स। क्या आ रहा है? ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये डाइजेस्ट करने में क्या करती हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करती हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जो ऑर्गन्स डाइजेस्ट का काम कर रहे हैं उनमें उनको हेल्प प्रोवाइड करने का काम ग्लैंड्स कर रही हैं। तो ग्लैंड्स अलग अलग टाइप की होती हैं। अब आ जाते हैं अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। फर्स्ट है अपने पास सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स में हमारे पास देखो क्या होती है, जो ये क्या होती है, मतलब मुंह के अंदर पाई जाती है एक प्रकार से, जो क्या लार जो निकलती है अपने मुंह से, लार वो क्या होती है, सेलिवरी ग्लैंड से थ्रू निकलती है, जिससे क्या होता है अपना फूड जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में बन गया है तो वो आसानी से क्या होगा, मतलब जैसे जैसे अपने अंदर की तरफ जाएगा लिक्विड पार्टिस में चेंज होने की वजह से आसानी से वो आगे पहुँच पाएगा। बाकी क्या होता है, जैसा मान लो अगर लिक्विड में नहीं रहे ओनली सॉलिड पार्टिस में रहेगा तो उसको अपन को नंगरने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब आगे से आगे इसको पहुँचने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका सेलिवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा का रिलीज करना जरूरी होता है। सलाइवा मतलब हमारे एक तरीके से लार भी हो सकता है। देखें तो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेलिवा इन माउथ। ये माउथ में सलाइवा रिलीज करने का काम करते हैं, मतलब लार रिलीज करने का काम करते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ द सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड म्यूकस वर्क्स ल्यूब्रिकेंट। यानी कि क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, लिक्विड पार्ट किसका, सलाइवा, सलाइवा का जो लिक्विड भाग होता है वो क्या करता है, इस खाने को वेट बनाता है, गीला करता है, जिससे क्या होता है वो आगे आराम से पहुँच पाता है। और जो म्यूकस है वो क्या कर रहा है, एक मतलब ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम कर रहा है। ल्यूब्रिकेंट मतलब खाने को चिकना बनाना, जिससे कि वो आगे से आगे फटाफट पहुंच सके। द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। यानी कि इसका मेन काम क्या है, जो फूड के अंदर जो क्या होती है, मतलब दूसरे मटेरियल होते हैं जैसे स्टार्च हो गया, उसको फटाफट पचाने का काम शुरू करना, और टू मेक द फूड स्मूथ, खाने को स्मूथ बनाना, जिससे कि वो अपनी बॉडी के अंदर आसानी से जाए और अपने को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। एंड सोल्यूबल, यानी कि जो चीज़ अपन खा रहे हैं वो घुल जाए अच्छी तरीके से। एंड ऑल्सो क्लीन टीथ, दांतों को साफ रखना। एंड बकल कैविटी एंड टंग, बकल कैविटी और टंग को भी साफ रखना, क्योंकि अगर लिक्विड रिलीज हो रहा है तो वो लिक्विड रिलीज होकर क्या करेगा, जो भी मटेरियल उनको साथ में अपने अंदर की तरफ ले जाएगा। सेलिवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो थ्री टाइप्स। ये क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट आ रही है अपने पास पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सेलिवा ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पैरोटिड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। सेकेंड आ रही है अपने पास सब मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड। अपन को इनके क्या तीनों के नाम याद रखने हैं, हमारे लिए तीन नाम भी इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी अपन को सेलिवरी ग्लैंड के जो वर्किंग है उसको ध्यान रखना है। थर्ड टाइप आ रही है अपने पास सबलिंगल ग्लैंड। थर्ड टाइप कौन सी है, सबलिंगल ग्लैंड। तीनों टाइप्स के अपन को नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आती है, वो है पैनक्रीज। कौन सी है, पैनक्रीज। फर्स्ट हमने पढ़ी सेलिवरी ग्लैंड, जो हमारे मतलब फूड हम जो मतलब मुंह में लेते हैं उसको लसीला, यानी कि जिससे कि लिक्विड पार्ट में चेंज करवा के उसको आगे तक पहुंचाने में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास पैनक्रीज। ये क्या है, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, जो मेनली इसका काम क्या होता है, इंसुलिन या अलग टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, मिक्स हार्मोन, उसको रिलीज करने का काम ये करती हैं। ज़्यादातर ये ब्लड के अंदर शुगर वगैरह की मात्रा को भी रिलीज, मतलब कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इसका भी मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखें, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड विद विच सेक्रेट्स एंडोक्राइन हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यानी कि तीन चार प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। फर्स्ट है एंडोक्राइन हार्मोन, सेकेंड है हमारे पास इंसुलिन हार्मोन, थर्ड है ग्लूकागॉन हार्मोन। इट इज 6 to
सिक्स टू एट इंच लॉन्ग, ये लगभग 6 से 8 इंच लंबी होती हैं पैनक्रीज। द एंजाइम सिक्रेटेड बाय दिस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके द्वारा जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन यानी इनको पचाने के लिए, हमको डाइजेस्ट करने के लिए काम आ रहे हैं। ये चीज़ हमें खास तौर से ध्यान रखनी है। द एंजाइम सेक्रेटेड बाय दिस हेल्प इन द डाइजेशन प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम आने वाली ग्लैंड जो है वो पैनक्रीज ग्लैंड्स हैं। और ये इनका डाइजेशन होने का काम कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। इंसुलिन कंट्रोल द ब्लड शुगर इन लेवल, यानी कि ब्लड शुगर का लेवल अपने शरीर के अंदर जो कंट्रोल करने का काम करता है वो इंसुलिन हार्मोन वो करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पैनक्रीज की, अच्छी तरीके से इसको भी एक बार तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास लीवर। इट इज इट्स मैक्सिमम वेट टुवार्ड्स राइट साइड। इसका ज़्यादातर जो भाग का वजन होता है, मतलब पूरी पौड़ी का ज़्यादा वजन कहाँ पे होता है? राइट साइड में होता है। लीवर इज कम्पोज नियरली 1000 स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट विच आर कॉल्ड लीवर लोब्यूल्स, यानी कि छोटी छोटी लीवर लोब्यूल जो होती हैं, छोटी छोटी लीवर लोब्यूल्स होती हैं, उनसे मिलकर के क्या होता है? लीवर से बनता है। और इन लीवर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है अपने पास? अप्रोक्स 1 लाख। 1 लाख लीवर लोब्यूल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर के एक लीवर बनाते हैं। ठीक है, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल, ये क्या ग्लैंड है जो बाइल जूस बोलो या बाइल बोलो उसको सेक्रेट करने का काम करती है, उसको रिलीज करती है। अब ये बाइल जूस क्या होता है? जिस तरीके से सलाइवा अपने मुंह से निकलती है ना, वो भी क्या एक लिक्विड है, तो उसी तरीके से बाइल जूस भी क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो क्या करता है अपने अंदर रिलीज होकर के अब जो मतलब खाना है या फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, डाइजेशन में हेल्प करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे जो लास्ट वाली ग्लैंड की लीवर उनकी। तो तीनों ग्लैंड्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करना है, नोट करना है नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जो होता है फूड का अलग अलग किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखें, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरियस मैकेनिकल एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो अलग अलग केमिकल और दूसरी जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती हैं, उनके थ्रू कंप्लीट की जाती है। क्योंकि अपने शरीर में डाइजेशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम आएगी, उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, मैकेनिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस अलग अलग बॉडी के अलग अलग भागों में होती हैं। ठीक है, तो एंजाइम सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड वेरियस ऑर्गन्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल कन्वर्ट द फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर वंस। और जो ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं? इनको जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उनको सिंपलर फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे से आगे आसानी से पहुंच सके और आसानी से डाइजेस्ट किए जा सकें और अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको आसानी से काम में ले सकें। ठीक है, वेरियस एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम इनका वर्क क्या होता है, क्या काम कर रहे हैं देखें। टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अपने पास 2 या 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और माल्टोज। फिर है अपने पास टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अपने पास ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। टू डाइजेस्ट लिपिड, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज पाया जाता है। न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियसिस जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर द म्यूकस एंड सलाइवा हेल्प इन द सॉफ्टनिंग द फूड, अपने देखा था सेलिवरी ग्लैंड में म्यूकस और सलाइवा जो पाए जाते हैं वो खाने को सॉफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं और जो खाना है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में चिपकाए रखने का काम कर रहे हैं, जिससे कि सारे पार्टिकल्स जाए तो साथ में मतलब धीरे धीरे करके अंदर की तरफ चले जाए अपने बॉडी के अंदर। बाई इमल्सिफाइज द फैट इनटू फैट ग्लोबल्स, बाइल जूस क्या करता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है, यानी फैट होता है उसको इमल्सिफाई, यानी कि उसको सिंपलर वंस में चेंज कराने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कराता है।
दिस इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन, ये जरूरी है क्योंकि इसके बिना फैट को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी बॉडी में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती कि वो बिना बाई जूस के फूड जो फैट पाई जाती है उसको डाइजेस्ट कर सकें। बाई ऑल्सो एक्टिवेट बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करने का काम बाइल ही कर रहा है, मतलब लाइपेज जो एंजाइम पाया जाता है उसको उसके काम के लिए एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, अपने पास जो बाइल है वो ही करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फूड डाइजेशन ऑफ फूड की। अब ये हमारा टॉपिक आज का यहीं पे ओवर होता है, यहाँ तक एक बार कंप्लीट पढ़ लें और कोई भी इश्यू हो तो वापस एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।